इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का हर मकदम है। बेलगाम जिला हुआ रेड जोन, अब हुए 36 पॉजिटिव मरीज। क्या बेलगाम लॉकडाउन से सील डाउन की तरफ तो नहीं जा रहा? बेलगाम जिला में कोरोना मुतासरीन की तादाद में अचानक उछाल आ गया है और 19 से बढ़कर 36 पहुंची है। इससे आवाम में खासा डर खौफ देखा जा रहा है। बेलगाम शहर में एक मरीज पाया गया है तो हीरे बागेवड़ी में 8, चिक्कोड़ी में 1 और रायबाग में 7। एक ही दिन में 17 इजाफा सोचने पर मजबूर कर रहा है। पिरनवाड़ी पॉजिटिव का कहना है कि पहले निगेटिव था तो बाद में पॉजिटिव कैसे आया? यह सवाल उन मुतासरीन का भी है जिस पर अभी इत्मीनान बख्श जवाब हासिल नहीं हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि तंदुरुस्त शख्स को भी पॉजिटिव दिखाया जा सकता है। अंजुमन में रखे कुछ मुतासरीन की रिपोर्ट पॉजिटिव होने की वजह से अंजुमन को भी सील डाउन किया हुआ है। हीरे बागेवड़ी की उम्र रसीदा खातून को इंतकाल के बाद पॉजिटिव होने की खबर दी गई, जबकि घर वालों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से घर के तकरीबन अफरादों को क्वारंटाइन के लिए जेर हिरासत लिया गया है। इस सदमे की वजह से इन खातून का जो उम्र सीधा है, तकरीबन 80 साल इनकी उम्र थी, इनका इंतकाल हुआ है। इनका कोरोना से ही इंतकाल हुआ कहना ठीक नहीं है, ऐसा घर वालों का कहना है। बेलगाम जिला अब रेड जोन बन चुका है। बेंगलोर मैसूर के बाद सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के मामले बेलगाम ही में पाए जा रहे, लिहाजा हुकूमत की ज्यादा तवज्जो बेलगाम की तरफ है। पड़ोसी रियासत महाराष्ट्र मुल्क में अव्वल नंबर पर है, लिहाजा सरहदों को बंद करने का हुक्म दिया गया। वजीर आजम ने दूसरे लॉकडाउन का ऐलान तो किया है, पर लॉकडाउन होने पर भी मामलों में इजाफा होता जा रहा है। अगर इसी तरह हर रोज इजाफा होता रहा तो क्या होगा, ऐसा सवाल भी अवाम की जानिब से किया जा रहा है। एक तरफ कोरोना का डर तो दूसरी तरफ भुखमरी का खौफ, ऐसा दोहरी मौत के दाने पर गरीब पहुंच चुका है। इंतजामिया इससे निमटने की कोशिश कर रही है और यह ऐलान भी किया गया है कि घर में रहे, महफूज रहे। लॉकडाउन के चलते शहर में कई जगहों पर सब्जी मंडियों का वक्ती कयाम किया गया है। बेलगाम कॉरपोरेशन के जेर निगरानी हुकूमत की तमाम हिदायतों पर अमल करते हुए खरीद फरोख जारी रखने का ऐलान किया गया। इसी तरह से शहर के आजाद नगर फ्रूट मार्केट में भी फलों की होलसेल खरीद फरोख जारी है, पर दोनों जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम ना करने की वजह से पुलिस की जानिब से सख्त इकदाम लिए जा रहे। कई बार फ्रूट मार्केट में पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज भी किया गया, जिस पर मार्केट वालों ने सख्त नाराजगी का इजहार भी किया है। शहर का चार जगहों पर सब्जी मंडी होलसेल में खरीद फरोख्त जारी है। अतराफ के करियों से सब्जी लेकर बेची जा रही है ताकि शहरियों को किसी चीज की कमी ना हो सके। आज दोपहर तूफानी बारिश की वजह से ड्रपर रोड और दिगर जगहों पर वक्ती शेड गिर गए और बारिश की वजह से लोगों को काफी दिक्कत उठानी पड़ी। आप वीडियो में देख सकते हैं किस कदर तूफानी हवाओं की वजह से पतरे के शेड फिजाओं में उड़ रहे थे। शायद तारीख में ऐसा पहला वक्त आया है जहां मस्जिदों में तरावी और नमाज इज्तमाई तौर पर रमजान में अदा नहीं की जाएगी। कुरान रमजान में नाजिल हुआ है, लिहाजा दुनिया भर में तमाम मुसलमान तरावी का एहतमाम करते हैं और मुकम्मल महीने में कुरान को सुनते हैं। कोरोना आलमी वबा के चलते मरकजी हुकूमत और रियासत की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि इस बार रमजान के तरावी फर्ज नमाजों को घरों में अदा करें। कर्नाटक अकलियती हज और वक्फ बोर्ड की जानिब से यह ऐलान किया गया है कि मस्जिदों को खोला जाए और इसमें सिर्फ 3 लोग यानी इमाम, मुअज्जिन और एक जमात का फर्द मिलकर नमाज अदा करें। हुकूमत ने यह भी ऐलान किया गया है कि जुमा की नमाज के लिए कोई मस्जिद में ना आए और कोरोना वबा के मुतालिक अवामी बेदारी कायम करे। शहर और इफ्तार की दावतों पर भी मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया गया है। बेलगाम शहर का रमजान काफी मशहूर होता है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से लोग दरबार गली तशरीफ लाते हैं, पर लॉकडाउन और बढ़ते मरीजों की तादाद आलमी वबा के चलते इस बार दरबार गली जामिया मस्जिद इलाका सुनसान रहेगा। कल इंशाल्लाह उलमाए किराम और शहर के जिम्मेदारान अपने ख्यालात का इजहार करेंगे और रमजान करीम पर बेलगाम और अतराफ के लोगों के लिए हिदायत और पैगाम देंगे, जिसे पैगाम इत्तेहाद आप तक पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। तकरीबन 6 जिलों को रेड जोन में शामिल किया गया। इसी के मद्देनजर बेलगाम डीसी SB बोम्मनहल्ली
पुलिस कमिश्नर लोकेश कुमार एसपी बेलगाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वजीर दाखिला बसवराज बोम्मई ने हालात का जायजा लिया। इस वक्त बेलगाम शहर मुस्लिम जमात के जिम्मेदार भी शरीक रहे। अंजुमन इस्लाम के सदर जनाब आसिफ राजू सेठ ने वजीर दाखिला से कहा कि रमजान मुसलमानों का मुबारक महीना है और इस महीने में मखसूस लोगों को नमाज अदा करने की इजाजत दी जाए। इसी तरह से बोर्ड चेयरमैन जनाब गफूर घेवाले ने भी अपने ख्याल का इजहार किया और इसी तरह से मरीजों की देखभाल और राशन का इंतजाम पर भी गुफ्तगू फरमाई गई। मस्जिद में वक्त सहर और इफ्तार पर रोजे के ऐलान पर डीसी से गुफ्तगू कर इजाजत देने पर बात करेंगे, ऐसा कहा गया। ऐसा रियासत वजीर दाखिला ने बेलगाम में बढ़ते पॉजिटिव मामलों पर भी खास तवज्जो देने की बात कही और महाराष्ट्र से सवारियों की आवाजाही पर रोक लगाने की भी बात कही। इस वक्त डीसी एसपी बोम्मनहल्ली ने जिला में कोरोना की पहली मौत बागेवाड़ी की बुजुर्ग खवातीन का जिक्र किया और कहा कि मौत के बाद पॉजिटिव होने की रिपोर्ट हासिल हुई है। इसी तरह से बेलगाम में टेस्ट किट के इंतजाम करने का ऐलान भी किया गया जिससे बेलगाम और अतराब के मरीजों के नेगेटिव पॉजिटिव के लिए बाहर भेजने की जरूरत न होगी। नेहरू नगर और महंतेश नगर हलबावी में रखे राजस्थान मध्य प्रदेश के मजदूरों के काफिले कारपोरेशन इंतजामिया की मुसीबत में इजाफा ही करते दिखाई दे रहे। पिछली मर्तबा खाने को लेकर राजस्थान मध्य प्रदेश में आईपीएल की तरफ मारामारी हुई थी, अब एक और नए तरकीब के साथ एमपी राजस्थान के लोग आए। इनका कहना है कि अगर हमारे घरों को न भेजा गया तो हम यहाँ खुदकुशी कर लेंगे। कारपोरेशन के अफसर एस बी दड़गौड़ बतौर कोऑर्डिनेटर रखा गया है, इन्हीं के सामने खुदकुशी की धमकी देते हुए कहा कि जब राजस्थान और एमपी की हुकूमत हमें रियासत में लेने के लिए तैयार है तो तुम आखिर हमें क्यों नहीं भेज रहे। 21 दिन के लॉकडाउन के बाद रिहाई की उम्मीद में बैठे ये लोग अब जहनी तवाजन खोते नजर आ रहे हैं। शख्स के वारिद का इंतकाल हुआ तो बेलगाम डीसी ने इसे राजस्थान जाने की इजाजत दे दी थी तो इन्होंने सभी को वापस जाने की मांग को तेज किया हुआ है। कुल मिलाकर इनकी बढ़ते परेशानियों से कारपोरेशन अफसरों का जहनी तवाजन भी खोने का वक्त आ गया ऐसा लगता है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।